बिहार के पटना का रहने वाला है। हमारी एक योग्य एवं दक्ष टीम यहाँ से रवाना हुई थी और जिसको आरोपी को हिरासत में लिया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने बिहार के पटना से एक आरोपी को गिरफ्तार करी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ईमेल आओ। आरोपी ने ईमेल 10 लाख रुपया की मांग करी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को बिहार के पटना से गिरफ्तार करे। आरोपी ने 2-3 मेल करे, सब में 10 लाख रुपया की मांग करी। रुपया नहीं मिलवे पे जान से मारवे की धमकी दी। जो ईमेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आओ, ईमेल धीरेन्द्र शास्त्री जी को 1 दिनाको टेम दे गो और जान बचावे के लिए 10 लाख रुपया की मांग करी गई। पहले ईमेल पे कोनो जवाब नहीं मिल पे आरोपी ने 22 अक्टूबर को दूसरा ईमेल करे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। मामला संवेदनशील होवे के चलते तत्काल मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू करी गई। साइबर सेल की मदद से आरोपी को पकड़ लगाओ। 19 अक्टूबर 2023 को बागेश्वर धाम महाराज की जीमेल आईडी पर किसी लॉरेंस गिस्नोई गैंग के नाम से एक व्यक्ति के द्वारा, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई थी। जो रैंसम कॉल था कि यदि आप 10 लाख रुपए हमें दीजिए अन्यथा हम आपकी जो है आपकी जान को खतरा होगा। उनके द्वारा 20 अक्टूबर को थाना बमीठा में उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत पुलिस के द्वारा अपराध नंबर 382 पंजीबद्ध किया गया और पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चूंकि अपराध अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रकृति का था, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें एक SIT का गठन किया गया था मेरे नेतृत्व में, जिसमें साइबर सेल और सभी लगे हुए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी प्रादेशिक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया, उनका मार्गदर्शन लिया गया और हमारी राज्य स्तरीय एजेंसियां और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों NIA के माध्यम से हमने इंटरपोल के माध्यम से जो आवश्यक जानकारी उस मेल के और उस धमकी के संबंध में थी उसको प्राप्त किया। इस बीच में उसके द्वारा 22 अक्टूबर को एक और धमकी दी गई, जब उसको किसी प्रकार का कोई जवाब रैंसम के लिए नहीं मिला तो उसको हमने ट्रेस आउट किया। व्यक्ति बिहार के पटना का रहने वाला है। हमारी एक योग्य एवं दक्ष टीम यहाँ से रवाना हुई थी और जिसको आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसने जो जो भी अपरेटस मोबाइल सिम जो उपयोग किए थे इन सब को बनाने में उनको प्राप्त करने में सफलता हासिल की। आज उसको हमने आरोपी को समस्त डायरी के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। हालांकि ये पूरे के पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आरोपी को कोनो कनेक्शन नहीं मिले है, लेकिन आरोपी कंप्यूटर को बड़ो जानकार है। बिहार के नालंदा जिले के संकलडी गांव को रहने वालों है और फिलहाल कंकरबाग पटना में रह रहो। तो शनिवार को आरोपी को राजनगर कोर्ट में पेश करेगा, जिते से ऊको जेल पहुँचा दोगा। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।